बहनों जैसा कि हमने पीछे देखा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये किताब जो लिखी है वो भारतवर्ष में इस भारतीय परिस्थितियों में किस तरह से बुद्ध धर्मों को पुनः प्रस्थापित किया जाए इस विचार को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस किताब की रचना की है और पिछली बार हमने देखा कि यहाँ भारत की बहुत ही विलक्षण विचित्र और कहे कि विरोधाभाषी अवस्थाएं हैं मानसिकताएं हैं विचारधाराएं हैं श्रद्धा विश्वास हैं इन सब का ख्याल करते हुए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए किस तरह से कौन सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सोचना चाहिए और धर्म का प्रचार उसके अनुसार करना चाहिए इस पर उन्होंने जोर दिया इस किताब में ये उसका मूल्य है इसका महत्व है और भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक ग्रंथ है तो हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रश्न हैं यहाँ पर सामाजिक प्रश्न हैं समस्याएं हैं उसमें से चंद बातें उन्होंने कही थी पांच बातें कही थी राजा आश्रय पर किसके धन के आश्रय पर किसके की सत्ता या पद प्रतिष्ठा के आश्रय पर धम्म का प्रचार नहीं होना चाहिए उस पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए बिल्कुल साफ तरीके से बताया फिर जो आधुनिक काल में लोक प्रतिनिधि होते हैं जो राष्ट्रत्ता के भागीदार होते हैं और सत्ता का प्रत्यक्षात प्रयोग करने में व्यस्त होते हैं ये तो धार्मिक होने चाहिए जिन्हें हम प्रतिनिधि चुनते हैं हमारे राजनीतिक कारोबार करने के लिए उनका धार्मिक होना जरूरी है अगर वो सत्शील नहीं है सदाचारी नहीं है धार्मिक नहीं है तो प्रजा तो उसके अनुसार बढ़ेगी नहीं लेकिन उल्टा अन्याय होगा और जो आज हो रहा है नुकसान होगा जो आज हो रहा है तो बाबा साहब की ये बात बिल्कुल सत्य है जिसके अनुसार लोगों ने विचार नहीं किया सोचा नहीं तो नुकसान ही नुकसान हो गया फिर तीसरी बात कही थी कि सामाजिक व्यवस्था बहुत माने रखती है तो सामाजिक तौर पर समाज को संगठित होना आवश्यक है और वो मानवीय तत्वों को मद्देनज़र रखते हुए संगठित तो होना आवश्यक है तो धम्म ही उसका आधार होता है फिर काला की बात कही किस तरह से हम संगठित हो सकते हैं और आज की तारीख हम देखते हैं कि भारत में कोई समाज संगठित नहीं है पूरा समाज जो मानवीय जाति जातियों में बन चुका है ढेर सारे ऐसे गुट हुए हैं जिनके मद्देनज़र आप आगे प्रगति नहीं कर सकते कुछ भी पा नहीं सकते तो समाज का संगठित होना जो है बहुत ही आवश्यक है उसके बगैर कुछ होना नहीं ये तीसरी बात कही थी फिर युद्ध निषिद्ध हैं आज के ज़माने में आपको तो बड़े सोच समझ करें समझदारी के साथ हा? सभी कारोबार करना चाहिए सभी सामाजिक प्रश्न हैं समस्याएं हैं आपसे व्यवहार हैं वो मैत्री के तत्वों पर मनुष्यता के तत्वों पर ही करने चाहिए इस बात को कहा था और फिर उसके लिए जो बुद्ध की सबसे बड़ी तगड़ी शिक्षा है मैत्री भावना मेत्ता करुणा इसका आपने प्रयोग करना चाहिए ये बात पहले पांच बातें उन्होंने कही थी और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है बुद्ध ने अपने जमाने में संघ का निर्माण करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो संघ उसका उदाहरण है कि हम संघ में जीवन अगर जीते हैं तो सदाचार पूर्ण होता है मनुष्यता पूर्ण होता है सभी के भलाई के लिए होता है और यहाँ किसी पर कोई जुर्म नहीं होता अन्य अत्याचार नहीं होता ये कल्याणकारी जो धम्म का मार्ग है उसको ही वे प्रत्यक्षात उतारते हैं अपने आचरण में और उस प्रकार से सभी लोगों ने करना चाहिए ये महत्वपूर्ण बात है तो ये संघ कैसे बनता है इसके बारे में आज हमें देखना है और उन्होंने ये भी देखा कि उस वक्त बहुत सारे श्रमण थे अनेक परम्परा थी लेकिन श्रमों के पास कोई आदर्श नहीं था उनमें कोई ऐसी शिस्त डिसिप्लिन नहीं थी आपस में लगाव नहीं था एकता एक नहीं थी एक तत्व नहीं था एक गुरु नहीं था तो बट बिखरे हुए है ये अलग अलग गुट थे और अपने अपने तरीके से अपनी आंतरिक जो इच्छाएँ उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते थे ज्ञान की खोज करते थे ईश्वर के पीछे पड़े थे आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते थे ढेर सारे काम करते थे लेकिन उनमें कोई आपसी एकता नहीं थी और कोई आपसी संबंध भी वैसे नहीं थे तो सर्वप्रथम बुद्ध ने अपने जीवन में संघ का निर्माण किया और उन श्रमणों को उन्होंने संगठित किया जो बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हुए बुद्ध के जैसा ही अनुभव जिन्होंने पाया था दुख से मुक्ति पाई थी वो अनुभव कर लिया था तो ऐसे सभी श्रमणों का उन्होंने संगठन किया जिसको संघ कहा जाता है उससे पहले श्रवणों में कोई संगठन नहीं था और संघम श्रमणों का कोई नेता भी नहीं था बुद्ध ने सर्वप्रथम नेता भी नियुक्त किया किसी व्यक्ति को नहीं खुद को भी नेता नियुक्त प्रयुक्त नहीं किया उन्होंने उन्होंने कहा है कि धम्म का जीवन है उसका जो आदर्श है उसकी जो शिक्षाएं तत्व प्रणाली है यही तुम्हारा नेता है बस उसको प्रमाण मानते हुए हर आदमी ने उस तरह से बर्ताव करना चाहिए तो ये सांघिक नेतृत्व तो जो है सामूहिक नेतृत्व तो हैं जो तत्व को मानने वाला है तत्व से जुड़ा हुआ है तत्वों से बंधा हुआ है ये इस नीति पर उन्होंने जोर दिया है तो ये संघ जो आदर्श है ये दुनिया में सबसे प्रथम बुद्ध ने निर्माण किया है और बाबा साहब ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है यहाँ तक तो कहा है कि हर आदमी ने अगर किसका आदर्श गिराना है तो संघ का उनके पीछे पीछे जाना है उनके पद पर पद रखते हुए आगे बढ़ना है तो ये आदर्श है तो ये भिक्कू भिक्कुनी संघ कहा जाता है तो इसकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे बाबा साहब ने इसमें संक्षिप्त ने दिया है ये कोई खास अभ्यास करने की बात नहीं सिर्फ जानकारी की बात है तो उन्होंने कहा कि संघ सभी के लिए खुला था जात पात की कोई बाधा नहीं थी श्री पुरुष होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था हैसियत कोई सी योग्यता है लायकियत ये भी सवाल नहीं था सामाजिक स्थिति कौन सा स्थान है पद पत प्रतिष्ठा इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी संघ के भीतर सभी लोग समान थे और संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था न कि उसके जन्म से तो बुद्ध ने स्वयं कहा है कि संघ कैसे है तो एक उदाहरण दिया था कि माने समंदर है इसमें जाकर सारी नदियाँ मिल जाती हैं गंगा यमुना सरस्वती वगैरह अनेक अनेक नाम की जो नदियां हैं समुद्र से जाकर मिलती हैं और फिर हम समुद्र का पानी उठाते हैं और उसको चखते हैं तो हमें कौन सी रुचि लगती है क्षार है लवण है तो उसका लवण रस्य होता है उसका जल मीठा नहीं होता लेकिन एक ही जैसा होता है तो उसको हम अगर चखते हैं तो क्या कह सकते हैं कि ये गंगा का पानी है ये यमुना का पानी है ये दूसरी किसी नदी का पानी है नहीं समुद्र में अगर ये नदियाँ मिल गई तो सभी पानी की रुचि एक ही होती है रस एक ही होता है उसमें आप कोई भेद नहीं कर सकते गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर है नहीं कह सकते इस तरह से जो भी आदमी बुद्ध के संघ में ये दाखिल होता है उनका सभी जो विशेषताएं हैं पुरानी नष्ट हो जाती है और एक समान हो जाते एक जैसे हर भिक्कू यानी भिक्कू ही है शर्म यानी शर्मन ही है धम्म का आचरण करने वाला यानी आचरण करने वाला ही है इसमें कोई कमी नहीं रहती कोई फर्क नहीं होता तो संघ इस तरह से मानवीय समता का सबसे प्रधान आदर्श है और इस आदर्श को लेकर ही बुद्ध ने कहा कि सभी मनुष्य मात्र समान हैं ये ऊपरी बाहर बाहर के जो भेद हैं ये तो हमने निर्माण किए हैं ये प्राकृतिक नहीं है ये सच नहीं है ये मनुष्य के मन की अपनी ही निर्मित है और गलत निर्मित है उसमें सच्चाई कोई नहीं है तो इस तरह से समता का बहुत ही बड़ा आदर्श बुद्ध ने इस तरह से सामने रखा है और फिर ये संघ में एकाएक से तो आप नहीं जा सकते जो भिक्खओं के संघ में जाना चाहता है उसको प्रथम विद्यार्थी बनना पड़ता है स्टूडेंट बनना पड़ता है और जिस तरह से भिक् बर्ताव करते हैं पहराव करते हैं रहते हैं वो सभी बातों को उसको अपनाना पड़ता है तो घर बार छोड़ना पड़ता है इचीवर परिधान करना पड़ता है मुंडन करना पड़ता है भिक्षुओं के साथ रहना पड़ता है भिक्षाटन करना पड़ता है तो जिस तरह से जिंदगी भिक्षु जी रहा है उसी की तरह जीने की उसको कोशिश करनी पड़ती है लेकिन वस्त्र पहनकर लेकिन वो भिक्षु नहीं होता उसको श्रामणेर कहा जाता है श्रामणेर के माने हैं विद्यार्थी सीखने वाला क्या सीखने वाला भिक्षु जीवन कैसे जिए भिक्षु कैसे होता है हा? और भिक्षु जीवन जीते जीते हम धम्म का आचरण कैसे कर सकते हैं इन बातों को सीखने के लिए जो तैयार हैं जो स्टूडेंट बना है विद्यार्थी बना है हुँ? उसका नाम श्रामलेर है वो भिक्खु नहीं होता और भिक्खु जैसी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती और भिक्खु जैसे उसके अधिकार भी नहीं होते केवल वो विद्यार्थी होता है तो पहले श्रामनेर बनना पड़ता है और फिर आचार्य के साथ जो दस साल से बड़ा भिक्षु हो जिसका स्वयं का आचरण भी बहुत अच्छा हो और संगने ने जिसको ये प्रतिष्ठा दी हो कि हाँ ये दूसरों के सीखने के लायक है सिखाने के लायक है, इसकी योग्यता है केवल दस साल का है भिक्षु ऐसा नहीं दस साल तो होनी चाहिए उसको भिक्षु बनकर लेकिन फिर भी उसमें ये योग्यता होनी चाहिए सिखाने की समझाने की लोगों को ज्ञान देने की ये अगर उसकी ताकत होती है उसकी क्षमता होती है योग्यता होती है तो उसको आचार्य नियुक्त किया जाता है और फिर इन आचार्यों को ही अधिकार होता है किसी को श्रामनेर बनाने का तो उस तरह से किसी को श्रामनेर बना लेते हैं यानी विद्यार्थियों को स्वीकार करते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो सही ढंग से भिक्षु बने और फिर जब उनकी तैयारी हो जाती है तो संघ को बताते हैं कि मैंने ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया है अगर उसने चाहा कि भिक्खु संघ में दाखिल हो जाए आना चाहता है भिक्षु बनना चाहता है तो उस पर आप सोचें और वो सही लगे तो उसका स्वीकार करें तो इस तरह से दो चार साल के बाद पाँच साल के बाद पुराने जमाने में दस दस साल भी लगते थे ये सीखने के लिए अध्ययन करने के लिए इतने वर्षों तक तो शाम में रहने के बाद फिर कहीं वो भिक्खु बन जाता था और भिक्खु में जाने से सभी अन्य भिक्षुओं से पूरी तरह से विनय के नियमों के साथ जुड़ जाता था और सभी के जैसा वो स्वयं ही आचरण करता था तो इस तरह से संघ की एकता बनी रहती थी तो ये सिस्टम है और इस तरह का जो व्यवहार उसमें होता है ये व्यवहार आज के ज़माने में उतने सही ढंग से लोग नहीं करते आज ढेर सारे स्राम रहे अकेले अकेले घूमते हैं अकेले अकेले ये सर्वथा बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध हैं विनय पिटक के विरुद्ध हैं उन्होंने आचार्य के साथ रहकर पढ़ा ही पढ़ाई करनी चाहिए और आचार्य भी ऐसे लोग हैं केवल दस साल के हो गए तो आचार्य बन जाते हैं अपनी योग्यता हाँ है या नहीं दूसरों को सिखाने की ये कभी जानते ही नहीं उसका विचार भी नहीं करते कोई भी आया तो उसको धम्म दीक्षा देकर श्राम्य बनाते हैं तो आज की तारीख में भारत में जो श्रामने रहे जो भिक्षु हैं ये विनय का सही पालन नहीं करते हैं और विनय की जो शिस्त हैं ये डिसिप्लिन है ये, ये व्यवस्था है इसका सही ढंग से वो पालन नहीं करते इसलिए बहुत गलतियाँ होती हैं संघ से भिक्खू गलत बर्ताव करते हैं और शाम तो बस ऐसे ही घूमते रहते बगैर ट्रेनिंग के बगैर सीखे हैं तो स्टूडेंट तो विद्यार्थी लेकिन लोगों को कहते हैं हम बनते हैं दान भी मांगते हैं क्या क्या करते हैं आप सबको मालूम है तो संघ में जो बुराइयां हैं, इसका कारण यह है कि वे बुद्ध की मूल शिक्षा को विनय को सही अर्थ से और जिम्मेदारी से स्वीकार नहीं करते फिर भिक्षु के लिए पंचशील तो नहीं दसशील होता है घर छोड़ना पड़ता है रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं अकेला विचरण करना पड़ता है उसको और किसी बातों की ओर ध्यान देना संभव नहीं होता उसको सिर्फ आठ चीज़ें रखने का अधिकार होता है उसकी व्यक्तिगत निजी कोई संपत्ति नहीं होती कोई मालकीत की चीज़ नहीं होती उसकी मालकियत सिर्फ़ आठ चीज़ों पर होती है एक तो उसका चीवर है जो पहनते इसके तीन टुकड़े होते हैं तीन वस्त्र होते हैं उनको ती चीवर कहा जाता है एक तो अंतर्वाशक है लुंगी जैसा अंदर पहनते हैं वो चीवर का एक टुकड़ा है फिर उत्तरा जो है ये ऊपर का जो वस्त्र है ये उत्तरासंग है इसको शरीर को लपेटते हुए पहनते हैं और फिर समय पड़ने पर जो गर्मी है ठंड है और कोई तकलीफ है बाहर के तो ऊपर से उठने के लिए संघाटी होता है ये जो हो संगाटी रखा गया है ये ऊपर उठने के लिए जब जरूरत पड़े उसके लिए होता है तो ये तीन वस्त्र उसके मालकियत के होते हैं निजी संपत्ति फिर उसके पास कमर में ये जो लुंगी जैसा पहनते उसको बांधने के लिए एक पट्टा होता है या दूरी होती है उसे कमर पर लपटने की ये अवस्था होती है फिर भिक्षा पात्र होता है फिर उस तरह होता है या दाढ़ी वगैरह करने का साधन होता है सुई और धागा होता है और पानी छानने के लिए कपड़ा होता है इसके अतिरिक्त कोई भी संपत्ति रखने का भिक्षु को कोई अधिकार नहीं है नहीं? और फिर उसके कुछ अपराध होते हैं गलतियाँ होती है तो उसको भिक्षु संख्या निकाल कर हर, हकाल देते हैं वो भिक्षु नहीं रह सकता अगर उसने मैथुन किया किसी श्री से या प्राणी से किसी से भी मैथुन की क्रिया उसने अगर की तो उसका भिक्षुपद उसी वक्त समाप्त हो जाता है दोबारा वो भिक्षु नहीं बन सकता उसको इजाजत नहीं मिलती है अगर वो चोरी करता है तो उसका भिक्षुपद उसी क्षण समाप्त हो जाता है उसको दोबारा भिक्षु नहीं बनाया जा सकता है और चोरी करने के खास बात जो है इसमें लिखा है कि आप जानते हैं कि ये चीज़ मेरी नहीं है आप जानते हैं कि ये जगह मेरी नहीं है आप जानते हैं कि ये पदार्थ मेरा नहीं है आप जानते हैं और ये समझते हैं कि और किसी का होगा मेरा at नहीं तो और किसी का तो हो होगा अगर मैंने इसको लिया तो हो सकता है जिसकी वो मालिकत हो वो उस पर मुकदमा चलाए मुझ के खिलाफ हाँ, हाँ राजा की तरफ हाँ, निवेदन दे न्याय मांगे और फिर राजा ने अगर सोचा सब बात जान ली तो हो सकता है कि मुझे वो सज़ा भी दे सकता है तो जो मैंने हैं मेरी मालिकियत की नहीं ऐसी चीज़ लेने से आगे चलकर हो सकता है कि मुझे सज़ा हो सकती है वो अपराध माना जा सकता है ये अगर आपको मालूम है तो आपने उस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए उसको अपनाना नहीं चाहिए तो आजकल के ज़माने में कुछ भिक्षु अतिक्रमण करते हैं गवर्नमेंट की जगह पर प्लॉट पर जंगल की जगह पर आप इसको समझिए जरा और वो जानते हैं कि जंगल की जगह मेरी नहीं गवर्नमेंट की है सरकार की है सरकार कार्रवाई कर सकती है ये मान जानते हुए भी अगर वो करते हैं तो आपसे चोरी हो गई और आपका भिक्षु पद उसी समय खत्म हो गया आप भिक्षु बनकर जी नहीं सकते लोगों में रह नहीं सकते लेकिन आज की तारीख को कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से प्रॉपर्टी कमाते हैं वहाँ लोगों से चंदा इकट्ठे करते हुए विहार भी बनवाते हैं और उसके मालिक के तौर तो पर उसका इस्तेमाल करते हैं मेरे मालिकियत का मेरे अधिकार का शायद कोई संस्था भी बनाए हो लेकिन मालिकियत तो उनकी होती है तो ये सब जो हैं विनय के खिलाफ हैं जि, जिस जिस भिक्षु ने ये किया उसका पद उसी वक्त समाप्त हो गया ऐसे लोगों को भिक्षु नहीं माना जाता और मैं इसके बारे में बहुत ही दक्ष हूँ जो भिक्षु मुझे ऐसे दिखाई देते मैं उनको भिक्षु नहीं मानता पूरी तरह से उनके दूर रहता हूँ उनको भिक्षु के तौर पर मैं स्वीकार ही नहीं करता बिल्कुल कड़ाई से फिर तीसरी बात है कि प्राप्ति जो है कोई चमत्कार करने की शक्ति आ गई कुछ आध्यात्मिक शक्ति आ गई मुझ में कुछ बहुत कुछ अनूठा कुछ हो गया ये दिखावा जो करते हैं उनका भी भिक्षु पर समाप्त हो जाता है तो किसी भिक्षु ने दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं खास हूँ में कोई खास योग्यता आई है आध्यात्मिक शक्ति आई है इस तरह का दावा जो करता है उसका भी भिक्षुपत तो उसी वक्त समाप्त हो जाता है उसको भिक्षु मानना गलत होता है और कभी कभी लोग ये स्वांग करते हैं इस तरह से लोगों को फंसाते हैं ढेर सारे लोग हैं ऐसे तो ये जो बात है इस पर विनय पिटक में बंधन लगाया है और वो इतना बड़ा अपराध ठहरा है कि आप भिक्षु नहीं रह सकते और फिर हत्या अगर आपसे होती है किसी मनुष्य की तो आपका भिक्षु पद समाप्त हो जाता है तो ये बहुत ही कड़े नियम जो है भिक्षुओं के लिए हैं, और फिर और भी नियम होते हैं जो भिक्षु अभी एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता ये और भी हकी कहता है एक भिक्षु दूसरे भिक्षु की आज्ञा माने ऐसा कोई नियम नहीं है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है मतलब इसका ये है कि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को आज्ञा नहीं दे सकता हुक्म नहीं दे सकता और दिया तो कोई भिक्षु मानने वाला नहीं है इतनी स्वतंत्रता उनको है लेकिन अगर जो कुछ भिक्षु एक दूसरे को परामर्श दे सकता है बता सकता है उसको उपदेश कर सकता है गलती दिखा सकता है मानना न मानना उसकी जिम्मेदारी है लेकिन वो आज्ञा नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए तुम्हें ये मानना ही चाहिए ऐसी जबरदस्ती किसी पर नहीं होती इसलिए भिक्षु पूर्णतः स्वतंत्र रहता है उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल अबाधित रहती है ये बहुत बड़ी ताकत जो है भिक्षु के पास होती है और इसलिए भिक्षु संघ में ये आज्ञा देने का हुकूमत जलाने का मामला बिल्कुल नहीं होता समझदारी से काम लो आपसी समझौता करो ठीक से जानो विनय के नियम के अनुसार ही नहीं है उसको जांचो और सही ढंग से व्यवहार करो मूल धम्म की आज्ञा मानो मनुष्य की नहीं धम्म के नियम धम्म की व्रत शिक्षा यही आज्ञा है इसको ही मानो व्यक्ति की आज्ञा से इतनी संबंध नहीं तो भिक्षु के लिए ये है बड़ा ही हा? खुला आसमान है स्वतंत्र है उस पर किसी का कोई जादू नहीं चलता दबाव नहीं चलता कोई हुकूमत नहीं चलती किसी भी हुकूमत को तो मानने के लिए वो तैयार नहीं है तो ये बहुत बड़ी शक्ति एक भिक्षु के पास होती है यानी उसकी स्वतंत्रता और किसी के पास इतनी स्वतंत्रता नहीं होती वो राजा का बहुम नहीं मानता राजा को सम्मान देने की उसकी जरूरत नहीं, नहीं देगा वो सम्मान मैं एक व्यक्ति हूं अपने में परिपूर्ण हो मुझे और किसी पर अवलंबित रहने की जरूरत नहीं है इसका हुक्म मानने की जरूरत नहीं है तो इतनी स्वाधीनता हर भिक्षु के पास होती है और फिर इसलिए नियम भी बहुत अधिक होते हैं भारत में जो थेर परंपरा है थेरवादी परंपरा है, उसमें भिक्षुओं के लिए दो नियम होते हैं ये कानून जैसे हैं दो और उपासक बनते हैं तो पंचशील और पंचशील का पालन करने भी, भी वो रोते रोते पालन करते हैं खुशी से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो दो नियमों की ही तरफ ध्यान देकर उस तरह से अपना जीवन चलाना ये कोई आम बात नहीं है ये सामान्य बात नहीं है बड़े सावधानी से हर चीज़ करनी पड़ती है तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिससे आदमी को भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है जो पांच है चार है जो मैंने बताया आपको जिसको पारावजिका कहते हैं फिर दूसरे आंदोलन नियम होते हैं तो उसमें कुछ दूसरी सजाएं दी जाती हैं तो भिक्षुओं के ऐसे जो अलग अलग नियम हैं उसमें पाचित्ती ये एक नियम है यानी प्रायश्चित करना और उसकी संख्या 26 है और दूसरी जो है प्रतिबंध करने वाले जो हैं उनकी संख्या भी बयानबे है फिर इसके अतिरिक्त सदाचार के नियम होते हैं शिष्टाचार के जेंटलमैन भिक्षु को एक जेंटलमैन के तहत रहना चाहिए एक जेंटलमैन बन के रहना चाहिए और एक जेंटलमैन बनने के लिए उसको पचहत्तर नियम पालन करने पड़ते हैं पचहत्तर सेवेंटी फाइव शेखीय धर्म उसको कहते हैं तो ये शिष्टाचार जो हैं जिसको हम अंग्रेज में इटिकेट कहते हैं जेंटलमैन बिहेवियर कहते हैं इसके इतने सारे नियम जो हैं जो इंग्लैंड में भी नहीं हैं जहाँ लोग कहते हैं जेंटलमैन है, है। तो इस तरह से भिक्षुओं को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है और फिर उनके हाथों से जो अधिक अपराध होते हैं यानी नियम का पालन नहीं होता तो संघ उनको सज़ा भी देता है अलग अलग ढंग की सजाएं होती है जिसका जिक्र बाबा साहब ने यहाँ पर किया है और भिक्षुओं को हर पंद्रह दिन के बाद उपोषित करना ज़रूरी होता है तो उपासक जो उपोषक करते हैं उनका उपोषण थोड़ा अलग होता है वे अपने सभी 200 सौ दो सौ नियम जो हैं उनको वो पठन करते हैं और जो ज्येष्ठ भिक्षु होते हैं उनके सामने अपने अपराध कबूल करते हैं कि मुझसे इस नियम का पालन नहीं हुआ गलती हो गई तो जो सजा दी जाती है उस तो सजा के अनुसार सजा भुगतते हैं और संग में कायम रहने की अपनी व्यवस्था कर लेते हैं तो उपोषक जो है ये अपराध की स्वीकृति करने का खास प्रोग्राम होता है और उपासक का जो उपोषित है वो आष्टशिलों का पालन करने का होता है तो दोनों में फर्क है और भिक्षुओं को उपोषित महीने में दो बार करना पड़ता है और उपासक को उपोषित अष्टशिल का पालन हर हफ्ते में करना पड़ता है ये फर्क है तो उपोषक दोनों के लिए है लेकिन भिक्षुओं का उपषत अलग होता है क्योंकि शिल का नहीं तो शिल का पालन हमेशा ही करते हैं ना तो सील पालन का को कोई प्रॉब्लम नहीं वो तो लगातार करने की चीज़ है उसके अतिरिक्त तो गलत गलतियां होती हैं हम सील का भंग करते हैं नियमों का भंग करते हैं तो वो ज्येष्ठ भिक्षुओं के सामने कबूल करने पड़ते हैं और वो जो सज़ा देंगे वो सज़ा भुगतनी पड़ती है तो इसको पाते पातिमोख कहते हैं उपोषक कहते हैं तो इस प्रकार संघ का नियोजन होता है और फिर बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु जो हैं वो बहुत ही कड़ाई से इनका पालन करें इस तरह की अपेक्षा खुद बुद्ध ने की थी तो भिक्षु के सारे नियम जो हैं धम्म पद में भी आ जाते हैं कुछ नियम तो हम जाते रहते यहाँ पढ़ सकते हैं वो कहते हैं कि भिक्षुओं को बुद्ध ने क्या कहा बिना संयम और सत्य के अपने आप को चित्त मलों से परिशुद्ध किए बिना जो काषाय वस्त्र को धारण करता है वो काशाय वस्त्र धारण करने की योग्य नहीं है ये कड़ाई का आदेश बुद्ध ने यहाँ पर दिया है कि जो विनय का पालन नहीं करता खुद पर उसका संयम नहीं है वो सत्य की बात नहीं करता हुँ? और अपने जो मन में ये मल हैं क्रोध है ईर्षा है मत्सर वगैरह जो बुराइयाँ मन में होती है हर आदमी दिखाई देती है उनके प्रति सावधान नहीं रहता उनको सुधारने की कोशिश नहीं करता आ, और फिर भी काशा चीवर पहनता है वो चीवर पहनने का अधिकारी नहीं होता उसके लायक नहीं होता तो ऐसे लोग ऐसे भिक्षु का किसी ने स्वीकार नहीं करना चाहिए उपासकों ने भी उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए लेकिन हम जानते नहीं हम किसी को भी भिक्षु मानते हैं लोग अक्सर ये कहते हैं कि पीत वस्त्र देखते हैं तो उसका सम्मान करते हैं बुद्ध ने वस्त्रों का सम्मान करने के लिए नहीं कहा कपड़ों का सम्मान करने की बात बुद्ध ने नहीं कही उसके अंदर जो आदमी है उसका सम्मान करना जरूरी है अगर एक चीवर यहां के दीवार पर लटका दिया तो क्या आप उसका वंदन करेंगे धोकर वहां सूखने के लिए रख दिया तो क्या उसका बंधन करेंगे कपड़े की कीमत नहीं है यहां पर उसका कोई मूल्य नहीं है तो जो लोग इस तरह से भाषा करते हैं कि हम चीवर का आदर करते हैं वो गलत बात बोल रहे हैं आदर चीवर का नहीं करना है चीवर पहनने वाले का करना है उसकी योग्यता जो वह जांचनी चाहिए उस तरफ ध्यान देना है तभी उसको भिक्षु कहकर पुकारना है सम्मान करना है और फिर आगे कहती कि एक आदमी इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है भिक्षाटन करते हैं ना केवल भिक्षाटन करता हूं मैं इसलिए भिक्षु नहीं जब वह धर्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी वह भिक्षु कहलाया जा सकता है केवल भिक्षा मांगते हो इसलिए भिक्षु नहीं हो आचरण करते हो धम्म या नहीं इससे ही हाँ तुम्हारा भिक्षु होना तय होता है केवल भिक्षा मांगने वाले इससे नहीं होता जो शीलवान हैं जो ब्रह्मचारी हैं जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है ये कसौटी बुद्ध दी हुई कि भिक्षु अगर भिक्षु को पहचानना है तो किस तरह से पहचानना चाहिए वो सदाचारी सीलवान है या ना ये पहली बात देखनी चाहिए शील का पालन करने वाला है या नहीं वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है या नहीं ये दूसरी बात देखनी चाहिए जो सावधानी पूर्वक संसाधन में विचरण करता है ना जागरूकता के साथ रहता है या नहीं तीसरी बात देखनी चाहिए तब कहीं उसको भिक्षु माना चाहिए इन बातों का अगर दर्शन नहीं हुआ किसी भिक्षु में तो उनको भिक्षु मानना मुश्किल है तो जो भिक्षु वाणी से संयत हैं जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है जो धर्म का अर्थ समझता है उसका बोलना मधुर होता है और उसको भिक्षु मानना चाहिए नहीं? तो संयत होना चाहिए भिक्षु ने किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए किसी का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए चाहे कुछ भी हो और आजकल हम देखते हैं कि कुछ भिक्षु तो उपासकों का यूं ही अपमान कर देते हैं समझ में नहीं आता भिक्षु को हो जय भीम नहीं कहना है बड़े बिगड़ जाते हैं अरे भाई उसने जय भीम कहा गाली तो नहीं थी जय भीम कोई गाली शब्द थोड़ा है, लेकिन वो जय भीम उसने आदरपूर्वक कहा है पूर्वक कहा है उस सम्मान को देखो उस आदर की कीमत करो केवल उसने जय भीम कहा इसलिए तुम गुस्सा हो गए और उनको फटकारने लगे ये सही है क्या ये तो गलत है तो इस प्रकार के भिक्षु देखे जाते हैं पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं मानो तो अनपढ़ भी होते हैं या तो खुद को ज़्यादा होशियार समझ लगते हैं तो जो भिक्षु उपासकों का अनादर करता है उसको अपमानित करता है उसको डांटता है वो भिक्षु जीवन सही ढंग से पालन नहीं करता है इस और भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर भिक्षुओं के ढेर सारे गुण जो हैं उनका जिक्र किया है और ये कहते हैं जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे उसे बहुत समझना चाहिए उसे किसी दूसरे की रिशा नहीं करनी चाहिए एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्षा करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती किसी से भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए और कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि भिक्षु आते हैं शादी ब्याह में आते हैं एक आता है तो बात ठीक है दो आते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं उसको ज्यादा दान क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया ये ईर्षा है और ऐसे झगड़ा भिक्षु ढेर सारे देखे जाते हैं इनको भिक्षु समझना गलत है वास्तविक विनय बेटा का जो मूल आधार है स्पिरिट है चेतना है वो है भिक्षु ने किसी से कुछ भी नहीं मांगना जब हम मांगते हैं उसको तो भीख समझा जाता है हम जब मांगते हैं तो उसको मदद मानी जाती है तो मांगने का मतलब है मदद पाना या भीख पाना मांगने से होता है दान मांगने से नहीं होता दान आदमी स्वयं अपनी श्रद्धा से देता है कोई मानता नहीं मांगता नहीं है हमें लगता है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए दान करना चाहिए तो हम अपने मन से जानबूझकर, सोच समझकर अगर किसी को दान देते हैं तो उसको दान कहा जाता है और भिक्षु को केवल दान ही प्राप्त करने का आदेश है मार्ग है मांगने का अधिकार नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखिए जो भिक्षु मांगते हैं दान दो ऐसा भी कहते हैं वो सही भिक्षु नहीं उसमें बहुत भारी कमी है विनय के नियम को अच्छी तरह से जानते ना हो अज्ञानी हो और जानबूझकर भी वो इस तरह से बुरा बर्ताव करते हो जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं इसका मतलब बहुत भारी है जो भी श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है भिक्षु ने उसमें प्रसन्न होना चाहिए इतना ही दिया ज्यादा क्यों नहीं दिया ये बात करने वाला लालची होता है वो भिक्षु नहीं होता आप समझ रहे इस बात को ये मुझे नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए इस तरह से अपनी पसंद जो है लोगों पर थोपता है वो भी गलत भिक्षु है जो भी हो दिया जाता है वो सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति ये मैत्री का भाव भी जताना चाहिए तो श्रद्धा की कीमत है क्या दिया जाता है कितना दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है तो ये भिक्षुओं के बारे में देखना बहुत जरूरी है और फिर बुद्ध कहते हैं जिस भिक्षु के हृदय में करुणा है जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है वह निर्माण को प्राप्त करेगा आश्रव शय से प्राप्त होने नीले सुख को प्राप्त करेगा उसकी तरक्की होगी धर्म में मैत्री अगर नहीं है तो प्रगति नहीं होगी तो भिक्षु झगड़ालू होते हैं ईर्षालु होते हैं एक दूसरे से टकराते भी हैं लोगों का अपमान भी करते हैं बहुत कुछ आशा रखते हैं मांगते भी हैं ये सब गलत तरह के भिक्षु हैं इनका कोई मूल्य नहीं तो बाबा साहब ने इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी लिखा है वो तो पढ़ने से भी हम समझ जाएंगे इसके और अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है और फिर तीसरी बात कही है कि भिक्षु कोई तपस्वी नहीं है वो दंड करते रहेगा शरीर को तकलीफ देते रहेगा कुछ उल्टे सुधे काम करते रहेगा लोगों को दिखावा करेगा देखो मैं कितनी कड़ी तपस्या कर रहा हूं ये दिखावा है इनके पीछे बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए तो ये तपस्वी नहीं है वो ध्यान करने वाला है ध्यान भी अपने में एक बहुत ही कड़ी तपस्या है शरीर को तो आप तकलीफ नहीं देते लेकिन मन को शुद्ध करना मन को सुधारना ये तो सबसे है कठिन काम होता है तो मेडिटेशन कठिन है बहुत कठिन कर्म है लेकिन बाहर से वो किसी को दिखाई नहीं देता वो तो मन के अंदर चलने वाली बात है बाहर से दिखने वाली ये बाहरी चीज़ें हैं दिखावे की जिसको तपश्चर्या कहते हैं इसका कोई मूल्य नहीं बुद्धिज़्म में उसकी कोई कीमत नहीं है तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और फिर आखिरी बात आखिरी नहीं और एक बात भिक्षु ब्राह्मण नहीं है एक ब्राह्मण पुरोहित होता है उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म विवाह मरण आदि के अवसर पर संस्कार कराना होता है कोई कर्मकांड कराना होता है ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप से लिप्त हैं और उसे निर्मल कर निष्पाप बनाना है और क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है तो इसलिए कर्मकांड जो है हिंदू धर्म में और धर्म में आता है इन सब संस्कारों के करते कर करने के लिए पुरोहित होना चाहिए एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में इसलिए उसे कोई संस्कार करने कराने नहीं है इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं है और अक्सर आज के बौद्ध भिक्षुओं को पुरोहित समझकर उनका इस्तेमाल करते हैं पूजा अर्चा करने के लिए परित्राण करने के लिए को बुलाते हैं और उनका रवैया होता है उनके साथ व्यवहार होता है पुरोहित के तौर पर उसको इस्तेमाल करना आप समझ रहे हैं इस बात को तो जो दान देते हैं उपासक भिक्षुओं को इस तरह से वो दान नहीं होता वो पुरोहित की फीस हो जाती है ये बहुत ही बुरा कर्म है ये अच्छा कर्म नहीं है लेकिन भारत में अभी तक ये ठीक से समझा नहीं गया, गया है कि भिक्षु को पुरोहित नहीं समझना चाहिए अब शादी ब्याह का प्रोग्राम करना भिक्षु का काम तो है नहीं क्यों बुलाते हैं लोग क्यों बुलाते हैं और उसमें भी अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं अपना बड़पन दिखाने की कोशिश करते हैं अरे हमारे लड़के की या लड़की की शादी में एक भिक्षु नहीं हमने पांच भिक्षु बुलाए थे हमारे यहाँ दस आए थे हमारे यहाँ बीस आए थे इस तरह से गर्व महसूस करते हैं लोग ये इतना पिछड़ापन है इतना अज्ञान है पढ़े लिखे बौद्धों में आज की तारीख को भारतवर्ष में मदद जरूर कर सकता है वो सेवा देने के लिए तत्पर रहता है धम्म का कुछ काम हो और आपको उसकी सेवा की जरूरत हो तो सेवा जरूर देगा लेकिन उसको नौकर समझकर पुरोहित समझकर हम पैसा देते हैं उसको करना ही पड़ेगा हा? इस तरह से सोचकर आप भिक्षु के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है मुझे बड़ा दुख होता है कभी लोग खोज तो खोजते आए बनती जाए है क्या मनो अभी मैं बोलता नहीं कभी लेकिन अब बोल रहा हूँ मैं क्या है तो हमारे घर में बर्थडे का सेलिब्रेशन आप आइए ये भिक्षु का काम नहीं है और फिर आप जाते हैं तो आपको पुरोहित जैसे ही वो ट्रीट करते हैं उसी तरह से आपसे व्यवहार करते हैं ये बहुत बुरा है होना यूं चाहिए कि हमारे घर में है ये बर्थडे का प्रोग्राम है कृपया आप आशीर्वाद देने के लिए आइए कृपया हमको कुछ उपदेश करने के लिए आइए इस तरह से निमंत्रण देना आवश्यक है आप समझ रहे इस बात को लेकिन हमारे यहां बर्थडे का सेलिब्रेशन आप आइए इसमें वो पुरानी बात होती है आपको पुरोहित समझते हैं और फिर दान की लालच होती है ये सब बुरा व्यवहार है तो भिक्षु को कभी घर में बुलाना है तो इज्जत के साथ बुलाना है वो काम करने का हा? उनसे वो काम करवा लेना है ये भावना नहीं होनी चाहिए अब समझ इस बात को भारत में अभी तक भिक्षुओं का सम्मान करने की सही बात सही तरीका लोगों को मालूम नहीं है वे बस ब्राह्मण जैसा पुरोहित समझते हैं और खासकर ये परित्राण है परित्राण ने तो बस सभी लोगों को निकम्मा कर दिया है यह तो ब्राह्मण शाही हो गई है भिक्षु को बुलाओ पाली भाषा में कुछ कहेगा हा? उसको फल दो उसको चिवर दो उसको ये चीज दो उसको वो चीज दो और फिर जाएगा और भिक्षु वैसे इससे विकृत हो गया है बिगड़ गए हैं कि उन्होंने भी अपना कमर्शियल चार्ज लगाया है व्यापारी ही, दर लगाया है इतनी फीस देनी पड़ेगी इतना दान पड़ेगा ये क्या है सब ये सर्व अधर्म की बातें हैं दुराचार की बातें सदाचार नहीं है उसमें क्यों हमारे मानसिक जो खराब होती हम सही ढंग से सोच नहीं पाते तो इस प्रकार के व्यवहार भिक्षु ने नहीं करने चाहिए तो ये पहला फर्क है दूसरा फर्क है ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है भिक्षु जन्म से नहीं होता उसको प्रशिक्षित होना पड़ता है दीक्षा लेनी पड़ती है सीखना पड़ता है ढेर सारे बरस उसमें लगाने पड़ते हैं ये कष्ट उठा के वो अपनी योग्यता जो है स्थापित करता है सुयोग्य हो जाता है ना? तो सही मात्रा में वो आध्यात्मिक हो जाता है धार्मिक हो जाता है ब्राह्मण धार्मिक नहीं होता जाति में जन्मा है वो और लोगों के जैसा ही जीवन जीता है सामान्य गृहस्थ के नाते उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं होती कोई सद्गुण का उत्कर्ष नहीं होता कोई बड़प्पन नहीं होता तो ये भिक्षु और ब्राह्मणों में फर्क है तो एक बार ब्राह्मण के घर पैदा हो तो हमेशा के लिए ब्राह्मण लेकिन भिक्षु जन्म से ब्राह्मण नहीं होता फिर ब्राह्मण को नैतिक या मानसिक शिक्षा अनिवार्य नहीं उसको सीखने की जरूरत नहीं बिल्कुल नीति भी अपनाने की जरूरत नहीं सदाचार का पालन करने की जरूरत नहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं बस ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया भिक्षु के लिए सब कुछ करना पड़ता है अपनी योग्यता जो है उसको बढ़ाना पड़ता है तो ये कर्म से होता है वो जन्म से होता है जो जन्म से होता है उसकी कोई कीमत नहीं है बस गलती से लोग उनको बड़ा मानते हैं उस गलत तत्व को अपनाते हैं कहते हैं कि धर्म का तत्व है लेकिन वो अधर्म का तत्व है इसको समझना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसलिए बुद्ध ने कहा कि कोई भी श्रेष्ठ होता है बड़ा होता है कुछ पाता है पद पाता है प्रतिष्ठा पाता है किस बल पर अपने कर्म के बल पर अपने कष्ट के बल पर करके दिखाता है प्रत्यक्ष उस लायकियत को पहुंचता है तो उसको बड़ा लोग मानते हैं ये तो व्यवहार की बात है हर आदमी के अनुभव की बात है कि जन्म से कोई इंजीनियर होता है जन्म से कोई डॉक्टर होता है तो जन्म से श्रेष्ठ कैसे होगा सबसे बड़ा कैसे होगा सारा सार मूर्खता है ऐसी मूर्खता पर भारतीय लोग विश्वास करते हैं यह अज्ञान का सबसे तगड़ा सबूत है इतने अज्ञानी लोग हैं इसमें तो ब्राह्मण कितनी चाहे उतनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है धन जमा इकट्ठा कर सकता है भिक्षु के लिए कुछ भी पाने का अधिकार नहीं संपत्तियां बिल्कुल रख पा सकते हुँ? और हर क्षेत्र में भिक्षु परिवर्तनशील होता है बुराइयां छोड़कर त्याग कर, कर नष्ट कर वो अच्छाई की तरफ बढ़ते रहता है और सर्वोत्तम बनने की कोशिश करता है ब्राह्मण हमेशा इसके विरोध में रहता है उसको भलाई नहीं चाहिए उसको सच्चाई नहीं चाहिए लोगों ने इस झूठ पर विश्वास करना चाहिए कोई जन्म से श्रेष्ठ हैं जन्म से शुद्ध हैं बिल्कुल विरोधी हैं, तो कभी भी ब्राह्मणों ने आम जनता के सुख की उनके हित के उनके, उनके कल्याण की बात नहीं की और इस प्रकार की कोई शिक्षा कभी नहीं दी यहाँ तक कि उन्होंने आम जनता को सर्वसाधारण शिक्षा पाने से भी कर दिया नकारा का आप शिक्षित नहीं हो सकते सीखने का अधिकार तुम्हें नहीं है तो सबसे बुरा पाप जो है यह जाति को मानने वाले ब्राह्मणों से हुआ है बुद्ध भिक्षु बिल्कुल उसके विरुद्ध है वो हर तरह के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील रहता है तो संपत्तिवीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है उसका कोई मालिक नहीं हो सकता कोई उस पर हुक्म नहीं चला सकता वो उसके अधीन नहीं हो सकता उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल हमेशा के लिए कायम रहती है तो ब्राह्मण जो होते हैं हर ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता है कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं उनका जिसके वह अधीन हो हर ब्राह्मण अपना कानून आप है हाँ ब्राह्मण आपस में भौतिक स्वार्थों से अवश्य बंधे हुए हैं स्वार्थ के लिए वो इकट्ठा है ये वाक्य बड़ा महत्व रखता है ब्राह्मण केवल स्वार्थ के लिए हम संघटित देखते हैं लेकिन व्यक्तिशाह उनमें कोई आपसी हु? अपनापन नहीं है मैत्री नहीं है मनुष्यता नहीं है हर अपने जो अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ता है लेकिन स्वार्थ औरों को फंसाकर कर उनको इस तरह जो झूठ बातें है बताकर उनका शोषण करके ही अपना स्वार्थ जो है सिद्ध किया जा सकता है इसलिए ब्राह्मण इकट्ठा होकर ये काम करते हैं वो किसी के कल्याण का काम नहीं करते इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और इसके बिल्कुल विपरीत भिक्षु होता है वो हर आदमी की मदद करना चाहता है उसके कल्याण के लिए प्रयास करता है उसमें सुधार हो इसलिए प्रयास करता है और सभी का कल्याण हो केवल मनुष्य का नहीं लेकिन सभी प्राणियों का कल्याण हो इस तरह से वो स्वयं जीता है और औरों को भी जीने की प्रेरणा देता है शिक्षा देता है तो भिक्षु हरदम किसी भी हालत में ब्राह्मण और पुरोहितों से सौ प्रतिशत बड़ा होता है श्रेष्ठ होता है ऊंचा होता है आदरणीय होता है सम्माननीय होता है ये वास्तविक मनुष्य के लिए सही आदर्श हैं तो इसलिए बुद्ध ने इस पर बहुत भारी जोर दिया है अब भिक्षु और उपासक में क्या है अंतर है ये तो हम सभी लोग जानते हैं इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं भिक्षु शादीशुदा नहीं होता घर बार नहीं चलाता भिक्षु की कोई अपनी ही मालकीत की चीज़ें नहीं होती वो पंचशील का नहीं दस का पालन करता है कड़ाई से करना पड़ता है अगर नहीं किया तो उसको सजा होती है लेकिन उपासक तो पंचशील का पालन करे न करे गलती हुई तो भी चलता है वो उपासक रहते हैं उनको कोई है? सजा नहीं देता पंचशील टूटा है इसलिए आपको सजा है ऐसा तो नहीं है और भिक्षुओं का संगठन होता है संघ उपासकों का संगठन नहीं होता है? तो इस तरह से भिक्षु और उपासक में थोड़ा अंतर है हर दिन का जीवन जीने तक लेकिन जहां तक धम्म की शिक्षा है दोनों को एक समान है दोनों की भी धम्म की शिक्षा एक समान है शील सभी के लिए आवश्यक है उपासक के लिए पंचशील है भिक्षुओं के लिए ज्यादा है लेकिन शील तो है शुरुआत तो वहीं से होती है और भिक्षु अगर भिक्षु जैसे ज्यादा से ज्यादा शील का आचरण करने का मनुष्य सोचे उपासक सोचे तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है भिक्षु अंततः तो निर्वाण की प्राप्ति करता है ध्यान साधना करते हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए उपासक वही करता है भिक्षु पूरा समय देता है उपासक के पास पूरा समय नहीं थोड़ा थोड़ा समय होता है लेकिन दोनों का काम एक ही है हा? शांति को पाना दुख मुक्ति को पाना निर्वाण को पाना तो इसलिए उपासक का धर्म अलग है बुद्ध धर्म उपासक का अलग है और भिक्षुओं का अलग है ऐसा नहीं ये बात खासकर ध्यान में रखना चाहिए और भिक्षुओं से लिए ले बाबा साहब तो यहाँ कहते उनके लिए तो ये बड़ा कार्य से किया जाना वाला भेद है कि भिक्षु को क्या करना चाहिए तथागत ने जिस धर्म का उद्देश्य दिया संघ उसी का एक सामाजिक नमूना है आदर्श हैं एग्जाम्पल हैं और फिर उपासक ने क्या करना चाहिए ये संघ बुद्ध की जो हर शिक्षा है उसको जितना हो सके जैसे कि वैसा अमल में लाने की कोशिश करने वाला होता है और इसलिए बुद्ध की शिक्षा का धम्म का वो एक आदर्श नमूना है और ये कारण होने के कारण बुद्ध ने भिक्षु के धर्म और उपासक के धर्म इसमें थोड़ी सी आ, क्या करें विभाजक रेशा खिंची है कुछ विभाजन किया है किस तरह का विभाजन है भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल भी था और उपासक को यथा सामर्थ्य उसका अनुकरण करना था बस इतना ही फर्क है भिक्षु को तो प्रत्यक्ष उदाहरण ही स्थापित करना है करके दिखाना है और उपासक का काम क्या है? जितना हो सके उनके जैसे अनुसरण करना है उनके लिए करके दिखाने की जरूरत नहीं है जितना हो सके उनके जैसे अनुकरण करें इतना ही सिर्फ फर्क है तो फिर भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए है उसे लोगों की सेवा तथा उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए क्या करना चाहिए भिक्षु को बाबा साहब साफ सूत्र तो में लिखते ये दोनों ही उसके जीवनकारी है बिना व्यक्तिगत साधना वह नेतृत्व नहीं कर सकता इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी पड़ी होगी तो भिक्षु को आचरण करना आवश्यक है उसमें कोई छुटकारा नहीं है। एक भिक्षु शुभ त्याग करता है वो संसार त्याग नहीं करता यानी दुनिया से निकल नहीं जाता जो व्यावहारिक जगत हैं व्यावहारिक लोग हैं उनसे भागता नहीं कहीं दूर उनके साथ ही रहता है वो सिर्फ वो घर बार छोड़ता है अपना घर तक तो छोड़ता है अपने जो परिवार है उसको छोड़ता है लेकिन सारे लोगों को छोड़कर वो कहीं एकाध में जाकर रहता नहीं है वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त हैं और जो दुख में पड़े हैं जो चिंता में पड़े हैं जिन्हें चैन नहीं हैं और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है ऐसे आम जनता की सेवा करने का मौका मिले इसलिए करुणा जो कि धर्म का मूल सार है तकाजा है कि हर आदमी दूसरे से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे भिक्षु भी इसका अपवाद नहीं है और इसलिए बाबा साहब लिखते हैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो कोई भिक्षु व्यक्तिगत साधना में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया कुछ पाया उसने यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है तो भिक्षु नहीं है आप व्यक्तिगत रूप से कितने भी ऊंचाई तक पहुंचे आचरण में लेकिन आप पीड़ित जनता की सेवा नहीं करते उनके प्रति करुणा मैत्री नहीं जताते तो आप भिक्षु नहीं है वह दूसरा और कुछ भी हो सकता है तो भिक्षु नहीं हो सकता तो बहुत कड़े शब्दों में बाबा साहब ने यहां पर भिक्षु और उपषु का भेद जो है वो प्रकट किया है और इस तरह के भिक्षु उनको चाहिए थे आप समझ रहे इस बात को तो मैं समझता तो कोई आज के लिए इतना ही काफी है फिर उन्होंने आगे चलकर इतना कहा है कि भिक्षु ने हमेशा धम्म प्रचार का काम करना ही चाहिए इसका प्रमुख कर्तव्य है और इसलिए बुद्ध ने कहा था चरत भिक्षा वैचार्य कह बहुजन हित है बहुजन सुखा है बुद्ध ने कहा है कि आम जनता के हित के लिए सुख के लिए तक पहुंचो और उनको धम्म देकर जागृत करो उनकी सेवा करो तो ये काम भिक्षु को करना ही पड़ता है फिर चमत्कार नहीं दिखाना है उसको लोगों को फंसाना नहीं है और जबरदस्ती भी नहीं करनी है लालच भी नहीं दिखानी है और भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए उसको कहते हैं बाबा की संघर्ष करना चाहिए तो बुद्ध को एक बार भिक्षु ने पूछा भिक्षु योधा योद्धा हम अपने आप को कहते हैं भगवान हम योद्धा किस प्रकार के हैं वीर वीर कहते हैं हम हम किस प्रकार के वीर हैं बुद्ध से पूछा भिक्षु ने तो बुद्ध ने जवाब दिया भिक्षु हम युद्ध करते हैं इसलिए योद्धा है हम लड़ाई करते हैं इसलिए योद्धा है तो भगवान हम किस बात के लिए युद्ध करते हैं कौन सी लड़ाई करते हैं दिखाई तो नहीं देते तो बुद्ध ने कहा भिक्षु हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं शील पालन करने का संग्राम होता है संघर्ष होता है प्रयास होता है युद्ध जैसे कोई सामान्य नहीं है हम श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं धम्म के प्रति श्रद्धा पक्की रही कोई दुराई उसमें न आए प्रयत्नशील रहना पड़ता है लगातार कोशिश करनी पड़ती है युद्ध जैसा प्रयास करने पड़ता है श्रेष्ठ पद् पाने के लिए हम युद्ध करते हैं और इसलिए भिक्षुओं हम वीर हैं तो बुद्ध के भिक्षुओं को वीर कहा गया है योद्धा कहा गया है कि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए वो लड़ाई जैसा श्रम करते हैं इतने कष्ट उठाते हैं और फिर बाबा साहब कहते हैं जहाँ सील को खतरा हो संघर्ष से मत घबराओ ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो तो जहां सील के बारे में गड़बड़ होती है भिक्षो को वहां संघर्ष करना चाहिए वो पीछे नहीं हटता चुपचाप नहीं बैठ सकता उसमें दखल अंदाजी करते हुए उसमें सुधार करने की कोशिश करना उसका जीवन का आचरण है उसका धर्म है उसका कर्तव्य है तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी कल देखेंगे जय भीम भी।